किसान का बेटा बना 10वीं क्लास का बिहार टॉपर। मधुबनी जिला सहित पूरे गांव में खुशी की लहर। सुमन कुमार के पिता पेशे से किसान है, साथ ही घूम घूम कर फेरी का काम करते हैं। माता संतोषी देवी अपने बेटे को IAS बनते देखना चाहती है। मधुबनी जिले के लदनिया प्रखंड अंतर्गत सीधा परसाही गांव के किसान मनोज कुमार पूर्वे का पुत्र सुमन कुमार पूर्वे बिहार परीक्षा बोर्ड समिति के 10वीं क्लास में बिहार बोर्ड स्टेट 3rd टॉपर रैंक प्राप्त किया, जिससे संपूर्ण जिले ही सहित पूरे गांव में खुशी की लहर व्याप्त है। वहीं सुमन कुमार के पिता किसान है, साथ ही घूम घूम कर फेरी का काम करते हैं। चाचा शिक्षक है, चाचा के ही निर्देश से सुमन पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया और आज बिहार बोर्ड के 3rd टॉपर है। वहीं विद्यालय के शिक्षक भी सुमन की सफलता से उत्साहित है। माता संतोषी देवी अपने बेटे को IAS देखना चाहती है। 486 अंक प्राप्त कर सुमन जिले में अपना नाम रोशन किया। जी, सुमन आपका भतीजा है और आप सुमन को क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे कि? जी, सुमन को मैं बचपन से ही 2015 में ही इसको मैं अपने साथ रखा दरभंगा 1 साल और फिर मधुबनी भी 2 साल इसको रखे, वहाँ से इसको गाइडलाइन हम करना शुरू किए। इसमें कहीं हम भी यहीं कोचिंग शिक्षक थे, इस बार जो है हम जो है वहाँ से हट गए क्योंकि दूर नौकरी हो जाने के कारण। कुशेश्वर स्थान दरभंगा में है हम, तो बच्चा को हम गाइडलाइन किए हैं, बहुत अच्छा से सोशल साइंस भी पढ़ा देते हैं हम जो है सब, और हमेशा घर पर गाइडलाइन कर देते हैं। और इसमें एक अलग जो देखें ना, उसको हम उसको बोल दे रही बेटा तुम टॉपर जरूर बनेगा। पिछले गत वर्ष जो यहाँ से टॉपर बना उससे इनको बहुत ही सीख मिली। मैं बोला कि तुम भी ऐसा करो जलवा कि तुम्हारा भी नाम हो और तुम्हारे दरवाजे पर भी मीडिया वाला आवे, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे इस भतीजा को, आगे इसका भविष्य उज्ज्वल हो इस हम कामना करते हैं। और भी यह इंटरमीडिएट में भी अच्छा करें, इससे अच्छा इससे 486 अंक को क्रॉस करें, ये कामना हम करते हैं इनसे। और दूसरे बच्चे को आप? ग्रामीण इलाका है, मैं यहाँ के बच्चों को मैं यही कहूँगा कि सुयोग शिक्षक के पास आप पढ़ें, खेल कूद मोबाइल इस सब पर ध्यान न देकर केवल पुस्तक से नाता जोड़ लें तो वह अच्छा कर सकता है। यहाँ के गरीब परिवार के बच्चे होते हैं और जो भी संस्थान है उसको मैं ही कहना चाहूँगा, जो गरीब के बच्चे हैं उसको कम से कम आप फ्री ऑफ कॉस्ट में शिक्षा देने की कोशिश करें, ताकि उनका भी भविष्य उज्जवल हो, उनके माता पिता से यह आशा रहता है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अशोक कुमार पूर्वे हुआ, मैं वर्तमान में शिक्षक हूँ। सुमन कौन होगा आपका? मेरा भतीजा है। अभी तक हम लोगों का जो अध्ययन है बहुत ही अनुशासित बच्चा है, लगनशील है, जुझारू है। तो सपना तो सबका अपना अपना होता है, वो अपने सपने को किस हद तक ले जाना चाहता है या उनसे भी पूछा। कहते हैं कि अनुशासित वातावरण रह करके अपने से बड़ों का पद चिन्हों पर चले, अच्छी संस्कार में रखे और अच्छी शिक्षा हासिल करके इस देश के नाम को विश्व मंच पर लाने का प्रयास करें। अपने कर्तव्य के प्रति, संस्था के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहे, कुछ करने की जज्बा रहे शिक्षक में और छात्र में, तो उसको अच्छा से अच्छा मंजिल और शिखर पर पहुंच सकता है। शिखर पर पहुंचने के लिए सीखने की जिज्ञासा होना चाहिए, कुछ करने का अगर तजुर्बा है, कुछ करने का अगर जुनून है तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी हासिल कर सकता है। कोई असंभव नहीं है, कोई काम अभी के समय में असंभव नहीं कहा जा सकता है। यही जो है तो करके दिखाया है। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ अभाव था, फिर भी वर्तमान में BPSC भी बहुत एक से एक जो टीचर मेरे यहाँ आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मैंने दुरुस्त किया है, पढ़ाई लिखा टीचर भी अच्छे हैं और मेरे यहाँ स्मार्ट क्लास भी नियमित रूप से चल रहा है। तो मैं शिक्षक के संरक्षण में, शिक्षक भी मेधावी है, शुरू से बहुत बच्चे जो था बहुत मेधावी है और हम लोगों का जो है तो जो सेवा जो जितना हम लोग करना चाहते हैं उस स्तर पर वो जो है अपने मुकाम को हासिल किए, इसलिए हम उनको विद्यालय परिवार की ओर से, संस्था की ओर से बहुत धन्यवाद करते हैं। सर, मेरा नाम शुभकांत पासवान हुआ सर, मैं 22 में यहाँ इस विद्यालय पदस्थापित हुआ हूँ, पर मैं कमर कट कर।